काला कपड़ा काला खान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई हिंदुस्तानी उसके काले काम नहीं। संसद सत्र का छठा दिन और मणिपुर के मुद्दे पर विरोध भी 6 दिन से जारी है। विपक्षी दलों के नेता काले कपड़े में संसद आए, संसद के अंदर से लेकर बाहर तक नारेबाजी हुई। बीजेपी ने भी सदन के अंदर जबरदस्त नारेबाजी की। मुद्दा सरहदी राज्य मणिपुर का है, वहां जातीय संघर्ष जारी है। देश में महिला सुरक्षा का भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब पूरी सियासी कहानी विपक्षी दलों के काले कपड़ों में सिमटी दिखाई दे रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान पहुंचकर चुनावी रण की चुनौती भी सीधे तौर पर 24 के लिहाज से दे डाली, विरोधियों को आईना भी दिखाया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाने साधे, यानी नाम पर चौतरफा वार, बार बार लगातार। काले लिबास में विपक्ष, संसद में प्रदर्शन जारी। अब सवाल यह कि वो जो लाल डायरी का जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, काले कपड़े का जिक्र कर रहे थे, यानी एक तरफ लाल डायरी और दूसरी तरफ काले कपड़े और बीच में सियासी झगड़े, मणिपुर पर चर्चा में क्या निकल जाएगा इस सियासी झगड़े का समाधान, आज करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बयान 4 बयान, और इन बयानों के जरिए समझिएगा कि आखिरकार यह सियासत किस तरफ जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भी एजेंडा तय कर लिया। एक तरफ इंडिया का जिक्र किया जा रहा है और उसी विपक्षी एकता गठबंधन के नाम पर पीएम कटाक्ष कर रहे हैं। पहले ये बयान सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में राजस्थान के लोग व्यापारियों की दुनिया बराबर जानते हैं। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाए। यूपीए के नाम बदले नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, नाम में इंडिया था लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सिमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए, उन्होंने भी नाम बदला पीएफआई, सिमी बन गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया लेकिन काम वही पुराना। एक बार इन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और तब देश की जनता ने उनका हिसाब चुकता कर दिया था, चुन चुन करके साफ कर दिया था, उखाड़ फेंका था उन लोगों को। अहंकार ने, अहंकार से भरे हुए इन लोगों ने फिर वही पाप दोहराया है। ये सुधरने को तैयार नहीं है। ये लोग कह रहे हैं यूपीए इज इंडिया, इंडिया यूपीए। इनका जनता पर फिर से एक बार वही हाल करेगी जो पहले किया था। यानी पीएम वार पर वार कर रहे हैं उसी गठबंधन के नामकरण को लेकर, नए नामकरण को लेकर, जिसको इस वक्त सीधे तौर पर इंडिया से जोड़ा जा रहा है। यह अलग अंदाज में पीएम वार करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेताओं के दो बयान, बड़े नेताओं के, एक राहुल गांधी का और खड़गे साहब का, और फिर रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मनोज पंडित होंगे, बीजेपी के चेहरे हैं, सुधा मिश्रा कांग्रेस का चेहरा है, पीयूष पंत जी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। अब ये दो बयान भी सुनिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ऑपोजिशन अलायंस ने बहुत सुंदर नाम चुना जो हमारे दिल से निकला, इंडिया। हम इंडिया हैं और जैसे ही हमने नाम लिया उसी इंडिया को नरेंद्र मोदी जी ने गाली देनी शुरू कर दी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं इस पवित्र शब्द हिंदुस्तान को गाली दे रहा हूं। इतना घमंड है, इतना अहंकार है। तो आप जाइए मोहब्बत की दुकानें खोलिए और इस सिर्फ जनता के बीच में नहीं, सिर्फ मणिपुर में नहीं, अपने घर में भाई के साथ, बहन के साथ, माता पिता के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, यूथ कांग्रेस की टीम के साथ आप मोहब्बत फैलाइए, उनको नफरत फैलाने दीजिए। आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, और तुम इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। एक तरफ लाल डायरी है, दूसरी तरफ काले कपड़े हैं, और तीसरी तरफ सियासत का झगड़ा। सवाल सियासत के केंद्र में मणिपुर। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार इसी सवाल के साथ आएंगे। एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो काला कपड़ा क्या अब होगी चर्चा, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मनोज पंडित जी सर मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, वो तकनीकी दिक्कत की वजह से। मनोज पंडित जी, ये प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे थे, ये पूरे देश में आज चर्चा का विषय है। तमाम परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया जी। प्रधानमंत्री राजस्थान गए, तस्वीरें सबने देखी, अब दो दिन के लिए गुजरात जा रहे हैं, जा रहे हैं ना सर दो दिन के लिए प्रधानमंत्री गुजरात, इससे पहले विदेश के दौरे पर रहे, ठीक है सर। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे,
प्रधानमंत्री? नहीं, मणिपुर जाने की आवश्यकता क्या है? मणिपुर में क्या कानून अपना काम नहीं कर रहा है? मणिपुर जाने की आवश्यकता क्या है? आज ये नहीं, पंडित जी आप कह रहे हैं मणिपुर जाने की आवश्यकता क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री जी को जाने की क्या आवश्यकता, ये बताइए ना आप मुझे। अच्छा, मतलब आप अभी पार्लियामेंट नहीं, आप ये कह रहे हैं गुजरात जा सकते हैं, राजस्थान में चुनावी रैली हो सकती है, परियोजनाओं के उद्घाटन हो सकते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा सकते, विदेश जा सकते हैं और मणिपुर नहीं जाना चाहिए? भाई आप ही देखिए, क्या देश की राजनीति सिर्फ इन चीजों पे होगी? मतलब क्या आप ये बताइए, विपक्ष इस बात पे अड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री ही बयान दें? देश के प्रधानमंत्री नहीं, मणिपुर आपकी प्राथमिकता में था ना, नॉर्थ ईस्ट आपकी प्राथमिकता में था, आप कह रहे हैं कि सब इसी आज भी है? नहीं, आज भी है सर। मैं आपको काम कर रही है, आपको बताना चाहूंगा, 29 और 30 जुलाई को विपक्ष मणिपुर का दौरा करने जा रहा है, जाना प्रधानमंत्री को चाहिए, महिला विकास मंत्री को चाहिए, मगर विपक्ष जा रहा है और आप कह रहे कि नहीं मणिपुर नहीं जाना चाहिए? नहीं आप बिल्कुल जाएं, विपक्ष को तो जब राहुल गांधी जी अकेले गए थे, हाँ? विपक्ष को तभी जाना चाहिए था, सबको साथ जाना चाहिए था, जिससे कि उनको पता चले कि सरकार वहां पर कितनी संजीदा और गंभीरता से काम कर रही है, सेंट्रल फोर्सेस कितना काम कर रही है, गृह मंत्री वहां पर कैंप डाल के सारे संगठनों से मिल के सारी बातें करके वहां पे आए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई चीज है, ये जो पूरा का पूरा मामला क्रिएट किया हुआ है कांग्रेस के टाइम से, आज से नहीं है। क्या नाम है तिलक जी? और आप ये देखिए तिलक जी, ये नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, आपकी कहने की बात सही है कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार तो कोई था कौन नहीं था, पर आज की परिस्थिति ये है, हाँ? कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति विकास की बात करें, राजनीति चीजों की बात करें, ठीक है, पर लेकिन ये छोटी छोटी बातें कि हमारा माइक बंद कर दिया गया, हमें बोलने नहीं दिए जा रहा है। एक मिनट मनोज जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं देश के संज्ञान में भी लाना चाहूंगा, अब इसमें कितनी सत्यता है, और अगर है तो बहुत गंभीर मसला है। आपने कहा, विपक्ष ने कहा कि हम लोग मणिपुर के मसले पर गंभीर हैं, ठीक, बहुत गंभीर मामला है। 20 जुलाई से मानसून का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है 20 जुलाई से, मैं गलत तो नहीं कर रहा सुधा जी? 20 जुलाई से चल रहा है, 20 जुलाई से ये मानसून सत्र चल रहा है। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम का कहना यह है कि राज्यसभा में उन्होंने ये बात कही है, इस सत्र में अब तक मणिपुर को लेकर एक भी सवाल स्वीकार नहीं किया गया है, ना ही कोई जवाब दिया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि क्या यह मान लिया जाए कि मणिपुर पर किसी ने सवाल किया ही नहीं है या नहीं किया होगा, ऐसा संभव हो सकता है? तिलक जी, पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा ना, प्रॉब्लम यह है कि चलने दे तभी तो। अभी एक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह साहब गए विधान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा उनको कि भाई सुधा जी पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे तो कैसे सवालों के जवाब आएंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, इनकी बात जो सुन रहे हैं न जाने क्या नरगल जा रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है तो जो बात करनी है वो बात नहीं की जाएगी, बाकी सारी बातें होंगी। आज जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में कहा, आपने भी सुना होगा, मैंने सुना, सबने, पूरे देश ने सुना होगा और देश क्या दुनिया ने सुना होगा कि जिस सरकार से, जिस व्यक्ति से, जिस प्रधानमंत्री से, जिस अपने देश के उस व्यक्ति से जनता ने जिसको चुना है, वो चाहती है कि उन उस मसले पे राजस्थान से बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, बंगाल की बात करेंगे, क्या वो सब जल रहे हैं राज्य? क्या वहां पे इंटरनेट बंद किया गया है क्या? जितने ये लोग प्रश्न करके कुतर्क करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों को छुपा रहे हैं जो नहीं, कोई भी ऐसा नेता या इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने ये कहा हो। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बेटी अलग है क्या? बिल्कुल नहीं है। किसने कहा अलग है? किसने, हाँ? कहा कि अलग है? तो फिर उस पर भी चर्चा करिए ना। फिर वही बात, आपने मणिपुर को 3 महीने से जलने के लिए छोड़ा हुआ है, इंटरनेट वहाँ बंद है, सुप्रीम कोर्ट के से इंटरनेट खुलता है? नहीं, मैं आप महिला अस्मिता की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ कि सब में होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कंपेयर करके मणिपुर को आप अलग कैसे कर सकते हैं? कंपेयर इसलिए होता है ना कि अगर लखीमपुर खीरी में कुछ हुआ
ऐसी घटना दर्दनाक घटना एक मिनट तो लखीमपुर खीरी और राजस्थान में अगर ऐसी घटना हो तो आप राजस्थान नहीं जाओगे लखीमपुर खीरी जाओगे। तिलक जी निर्भया कांड याद है ना, उस समय देश एक हो गया था मनोज पंडित जी का ऑडियो से लेके सभी लोग प्रधानमंत्री प्रशांत जी का ऑडियो रहेगा। प्रशांत जी अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो ये आप लोगों की जीत होगी, आप ये कह रहे हैं? देखिए चावला जी, ये मुद्दा जीत या हार का नहीं है। हाँ। ये मुद्दा इसलिए है हाँ। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की नैतिक जिम्मेदारी थी हाँ। कि वो लगभग 80 दिनों से जल रहे मणिपुर पर हाँ। जहाँ उनकी डबल इंजन की सरकार है, वो बिना इतना हंगामा होते हुए भी उससे पहले ही बोल जाते हाँ। कम से कम विपक्ष ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो समझी, मजबूर तो किया इस प्रस्ताव के जरिए, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए मजबूर में अब मोदी जी को सदन में बोलना पड़ेगा और देश ये भी देखेगा। मैं बीएसपी नेता का बयान देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि इन्होंने मौका दे दिया विपक्ष ने। मैं इसका जवाब देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये दाव उल्टा पड़ जाए। चावला जी मैं पूरी बात, जो इंडिया जो आप लोगों ने नया नामकरण किया, जो थोड़ी बहुत इज्जत बचाई थी, वो ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री के भाषण में सब धज्जियां उड़ जाए। देखिए मोदी जी, चावला जी मैं मोदी जी की बात बताऊं, मोदी जी के भाषण जरा ध्यान से सुनना हाँ। एक व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देता है हाँ। हम ये भी देश को दिखाना चाहते हैं दुनिया को हाँ। क्योंकि राज्यसभा में इनके पास टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा नहीं होगी और प्रधानमंत्री जी हाँ। इंडिया नाम रख लेने से इतने बौखला गए हैं, हम ये देखना चाहते हैं इनका स्तर और कितना गिर सकता है। अच्छा, तो मतलब आप ही इंडिया हो, वो मणिपुर पर बात नहीं, मतलब आप ही इंडिया हो, कम से कम नहीं हम विपक्ष इस देश से बाहर है क्या? नहीं तो आप ही देश थोड़ी ना हो। देखिए तिलक जी, आम आदमी पार्टी अनुशासन में नहीं, आप देखिए इनके नेता कहने के बावजूद मतलब करते यहाँ पे तो जानबूझ के भाजपा इस तरह से मामले को ड्रिल करना चाहती है। मैडम आप बोल रहे हैं, चिल्ला रहे जीतेगा इंडिया, तो मैं यही बोलूंगा ना, तो आप ही तो लिख रहे हैं जीतेगा इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग गलती से चुनाव हार गए तो हम क्या बोलेंगे इंडिया हार गया? बिल्कुल कैसी बातें कर रहे सुधा जी आप? इंडिया वाइज छह कुछ या इंडिया नहीं। पीयूष जी 10 सेकंड, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट लूंगा पंडित जी आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। पीयूष जी जी सर, ये मसला बहुत गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कह रहे हैं हमने प्रधानमंत्री को चुनौती के लिए बुला लिया, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब तो न्यायालय पर दैला हो जाएगा जैसे करते हैं प्रधानमंत्री। देखिए तिलक जी, ये इस चीज को वही जो आपने बात शुरू में कही थी कि जो चुनाव आने से जो है हाँ। कि ये जो एक सियासी खेल चल रहा है हाँ। वही खेल चल रहा है, उसी के रंग है ये। देखिए और ये जो बातें कही जा रही है वही सियासी जो खेल है उसी हाँ। उसी के संदर्भ में ये बातें कही जा रही है कि अब देखो उनको दिखाएंगे, अब उनको बोलना पड़ेगा। और वो कहने की देखिए मोदी जी आप ही को उसमें जो है कि आप पैसा अटैक करेंगे, जैसे राजस्थान में किया कि आपने जो आपको ये लगेगा कि साहब आपने नाम रख के गलती ना कर दी हो गई। ठीक, तो ये पूरा का पूरा सियासत हो रही है, होगी ये मसला इंडिया इंडिया के इर्द गिर्द ही घूमेगा ये तय है। लेकिन एक बात मनोज पंडित जी, बहुत गंभीर मसला है, फाइनल कमेंट ले रहा हूं सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। देश के प्रधानमंत्री राजस्थान गए, राजस्थान में एक बहुत बड़ी घटना घटी। घटना ये कि प्रधानमंत्री गए और मुख्यमंत्री को वहां बोलने नहीं दिया गया, ये आरोप लग रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पीएमओ पर भी उन्होंने बकायदा आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि उनका पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से हटा दिया गया। सीएम ने कहा क्योंकि मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकता हूं, ट्वीट किया बकायदा, इसलिए मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मतलब अब यह परिपाटी बन रही है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सीएम नहीं बोलेंगे, विपक्ष आरोप लगा रहा, जवाब दीजिए। नहीं नहीं आप तिलक जी, राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया,
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का माइक बंद कर दिया गया, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, ये कोई बात है, ये कोई मुद्दे हैं क्या? आप मुझे बताइए सर, ये मुद्दा नहीं है राजनीति सर। उन्होंने बताया था कार्यक्रम पूरा बताया कि मेरा नाम था इस कार्यक्रम में, उन्होंने बकायदा प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल ट्वीट किया जी। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो आप भी जानते हैं कि पीएम का प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री को होना है, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल में खड़े होते हैं वहां पर जी? और मुख्यमंत्री उस मंच पर मौजूद होते हैं कि भाई ठीक है वहां पर पीएम बैठे हुए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री हो और इनको बोलने सर, उनके पैर में चोट अगर लगी हुई है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना चाह रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस वो तो अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं वहां पर। हाँ, वो कह तो रहे थे स्वस्थ है, ये प्रोटोकॉल पहले नाम था फिर उसके बाद का। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, मैं समय से ऊपर चला गया, माफी चाहूंगा आप चारों से, तकनीकी दिक्कत की वजह से आज समस्या आई, भविष्य में इस समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू सो मच। सुधा जी आपका भी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, कोई हिंदुस्तानी के काले काम से।